Guys, मेरा नाम मोहित शर्मा एंड वेलकम टू नोबल टेक एजुकेशन। हमने इन प्रीवियस वीडियो जो टॉपिक्स कवर किए थे, हमने क्लिप बोर्ड समझा था पूरा, कि क्लिप बोर्ड है क्या, ठीक है। हमने फॉन्ट की पूरी प्रॉपर्टीज हमने समझी थी। आज हम करेंगे हमारा पैराग्राफ टॉपिक। पैराग्राफ की पूरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि पैराग्राफ प्रॉपर्टी है क्या क्या, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसमें एडवांस लेवल पे हम नॉलेज आपको देंगे कंप्यूटर से, जो भी आपको कंप्यूटर की वीडियोस चाहिए किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर की, वो भी हम आपको इस पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, इसके अंदर हमारा आ रहा है बुलेट्स। अब आपने देखा होगा, जब भी हम काम करते हैं तो हमें बुलेट्स की तो जरूरत पड़ती है। मैंने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे बुलेट्स यूज करने हैं, तो मैं बुलेट्स यहाँ से यूज कर सकता हूँ। देखिए बुलेट्स ये हमारे बुलेट्स क्या होते हैं, देखिए अनकाउंटेबल होते हैं, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। आई रिपीट अगेन कि बुलेट्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बुलेट्स कौन होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इस बुलेट को यूज कर लेता हूँ तो आप इसे काउंट करके बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल आप बता देंगे कि 5-6 पैराग्राफ है। इनकेस पैराग्राफ अगर आपके पास ज्यादा हुए, 50 पैराग्राफ हुए, 100 पैराग्राफ हुए, उससे ज्यादा पैराग्राफ हुए, मोर देन 2000 हुए, तो आप नहीं बता पाएंगे बुलेट्स का यूज बुलेट्स के जरिए कितने पैराग्राफ हमारे हैं, है ना। ये देखो शो हो रहे हैं। आप चाहें तो खुद का बुलेट बना भी सकते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स। देखिए सिंबल्स लेनी है या फिर आपको पिक्चर का बुलेट बनाना है या क्या वो करना है। हमने सिंबल ले लिया, अब सिंबल भी हमें कौन सा चाहिए। देखिए सिंबल भी हमारा कितने सारे सिंबल्स हमें यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। आपको जो भी सिंबल चाहिए आप ले सकते हैं, जितने सारे फ्रॉन्ट है। आई रिपीट अगेन, देखिए यहाँ कितने सारे फ्रॉन्ट है, जितने सारे फ्रॉन्ट है उतने सारे आपको यहाँ पे बुलेट्स इंडिकेट हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये वाला अप्लाई कर लिया बुलेट्स, मैंने ये वाला फॉन्ट लिया, देखिए यहाँ पे कितने सारे बुलेट्स आ रहे हैं इसके सिंबल्स। मेरे को सपोज ये वाला चाहिए था तो मैंने TM ले लिया। अब कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुलेट्स हमें शो हो रहे हैं जो भी आपको चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपके ऑफिशियल वर्क में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स यूज करने पड़े, तो आप यहाँ से बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने TM लेते हैं और मैंने इसे ओके कर दिया, तो देखिए TM के नाम से हमारे बुलेट्स आ रहे हैं। आप क्या है तो कोई और ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स की हमें वेराइटीज शो हो रही हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे जो है इसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स। आप चाहते हैं कि भाई मेरे को नंबर फॉर्मेट में बुलेट्स चाहिए, मेरे को बुलेट्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर फॉर्मेट में चाहिए आपका, तो मैं ऐसे नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। अब तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि कितने पैराग्राफ है हमारे, है ना। तो अब न्यूमेरिकल्स हमारे काउंटेबल होते हैं एंड बुलेट्स हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, ओके। फिर आगे चलते हैं, आगे भी देखिए हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं। पहले हम इसमें चलते हैं, इसमें हमारे पास देखिए और भी बुलेट्स हैं। जैसे आपको रोमन में चाहिए आप रोमन में ले सकते हैं, या फिर आपको अल्फाबेटिकल्स वर्ड यूज करने हैं अल्फाबेटिकल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को जैसे अल्फाबेटिकल्स यूज करने थे, मैंने अल्फाबेटिकल्स ले लिए। आप कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलेट्स हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे करते हैं, आगे भी देखिए बुलेट्स आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं लाइब्रेरी के बुलेट्स, मतलब एक पैराग्राफ, जैसे मान लो आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के भी बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना। तो उसके लिए हम इसे वाले बुलेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये, या फिर आपको कोई और चाहिए कोई और ले लो, जितने भी आपको बुलेट्स चाहिए कैसे भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर टॉपिक्स है हमारे जो हम आगे आज करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है आपने देखा होगा, इंडेंट्स हमारे हमारे रूलर पर हमें इंडेंट शो होते हैं। जैसे हमारे इंडेंट है, ये देखिए ये चीज, जैसे आपको यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट इंडिकेट हो रहा है, ओके। अब इसका यूज क्या है, यूज हम दिखाते हैं। जैसे आपको करके कंट्रोल ए किया हमने, ऑल डेटा सेलेक्ट कर लिया अपना, अब मैं यूज करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे जैसे हमने बुलेट्स का हमने इंडेंट का यूज किया अपने डेटा को अरेंज करने के लिए, अब मैं चाहता हूँ पहले ऐसा करना, तो हम डिक्रीज कर लेते हैं इंडेंट को। आपको इंक्रीज करना आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी ऑप्शन इसके अंदर हमारे आगे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं हमारा शॉर्ट करना। शॉर्ट मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, चाहे आप असेंडिंग कर रहे हो चाहे आप डिसेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। कैसे जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे कुछ काम लिख लेते हैं हम, जैसे हमने 12, 88, 74,
3, 85, 9 या जो भी हमने ले लिए, क्योंकि हमें इन डेटा को अरेंज करना है, असेंडिंग में करना है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, है ना। तो अब हम इसको करते हैं, जैसे मैं इसे करके दिखाता हूँ। हमने सेलेक्ट किया अपने डेटा को लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अरेंज करना है, इसको डेटा को डिसेंडिंग में असेंडिंग में। मैं चलते हैं, हम इसको असेंडिंग पे करते हैं पहले, असेंडिंग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3, 9, 12, 85 और 12, 74, 85, है ना, सारे हमारे शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको असेंडिंग में कर दिया। आप चाहें डिसेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग चाहते हैं डिसेंडिंग में देख लेते हैं, डिसेंडिंग कैसे होता है हमारा। डिसेंडिंग कर लेते हैं इसको लाइक दिस। अब हमें ज़्यादा से शो हो रहे हैं, पहले हमें कम से ज़्यादा शो हो रहे थे, है ना। सो आगे जो हमारे हैं, आगे आता है हमारे शो और हाइड ऑप्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ अनहिडन जो हमारे फॉर्मेटिंग सिंबल होते हैं वो हमें कभी कभी शो नहीं होते हैं। तो होते क्या है पहले वो हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज एंटर यूज किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पेस की प्रेस करके रखी अपनी, यहाँ मैंने टैब की प्रेस करी अपनी, ठीक है, फिर एंटर। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई मैंने कहाँ स्पेस यूज किया है या कहाँ टैब यूज किया है या कहाँ पे हमने क्या यूज किया? तो वो सारी चीज हम यहाँ से शो हाइड ऑप्शन को यूज करके देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इंडिकेट हो रहा है हमको, जो हिडन कैरेक्टर्स हैं वो हमें इंडिकेट हो रहे हैं, है ना। देखिए जहां पर भी आपने एंटर प्रेस किया है वहां पे आपको ये वाला सिंबल इंडिकेट हो रहा है, जहां आपने स्पेस यूज किया है वहां पे आपने डॉटेड लाइन इंडिकेट हुई है, जहां आपने एरो टैब की प्रेस करी है वहां पे आपको एरो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे शो करें हमने जो अनहिडन कैरेक्टर है जो हमें वहां पे हमारे प्रिंट फॉर्मेट में बना जैसे दिखाना चाहते हैं प्रिंट फॉर्मेट में, ठीक है। मैं इसको हाइड कर लेते हैं यहाँ से। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके अंदर, आगे हमारे हैं अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेटा को हम कुछ काम कर रहे हैं, हम डेटा को हम ऐसे अलाइन ही नहीं कर पाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने सेट किया अपने डेटा को कंट्रोल ए, ठीक है। अब डेटा को कैसे अलाइन करना है? अभी सपोज ये लेफ्ट में है ना, मैं चाहता हूँ इसे लेफ्ट में ना होके सेंटर में आ जाए, या मैं इसको लेफ्ट सेंटर ले लेता हूँ या शॉर्टकट की कंट्रोल ई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे जो हमारा डेटा है वो सेंटर में हमें इंडिकेट हो रहा है, ओके। अब मैं लेफ्ट चाहता हूँ, वही मुझे लेफ्ट में ही चाहिए, लेफ्ट ले लेते हैं, कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर लाइक दिस। एक आता है कंट्रोल जे, ये क्या होता है? जे होता है कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाई करना, जस्टिफाई होता है बोथ साइड से इक्वल करना। आई रिपीट अगेन, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से आपको इक्वली डेटा शो करना। जैसे कि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट लिया पहले, अब देख सकते हैं जैसे कि लाइन है, देखो कोई लाइन पीछे है कोई आगे है, कोई पीछे है कोई आगे है ना। मैं इसे जस्टिफाई करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सारी लाइन हमारी जस्टिफाई हो गई है ना, इक्वल एकदम, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी, है ना। फिर होता है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी होती है। फिर आता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेसिंग होता है ये सब काम कर रहे हैं, है ना, आपका डेटा एक पेज से दूसरे पेज में चला गया, ठीक है, आपका डेटा एक पेज से दूसरे पेज में चला गया। आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे एक ही पेज में एडजस्ट करना है, मैं दूसरे पेज को कैरी नहीं करना चाहता, या दूसरा पेज मुझे चाहिए नहीं, मैं एक ही पेज में डेटा को एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग यूज कर सकता हूँ। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन, आई रिपीट अगेन, एक पर्टिकुलर लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे 1 इंच के अकॉर्डिंग चाहिए, ये जो हमारा इंचज में काउंट होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि जो हमारे जो लाइन स्पेसिंग हो रही है वो किस में हो रही है, इंचज में हमारी लाइन स्पेसिंग हो रही है, ठीक है। जैसे 1.0, 1.15 या जो भी हमारे यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, मैंने ले लिया 3.0, मतलब 3.0 मतलब 3.0 इंचज हमारा एक लाइन के बीच में स्पेस हमें इंडिकेट हो रहा है ना। फिर आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब हमें जैसे इसके स्पेसिंग कम करना है तो हम वापस कम कर लेते हैं। इसमें और भी ऑप्शन हैं, देखो जैसे हमारे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ के बिफोर में स्पेस को ऐड करना है कर सकते हो, आफ्टर में स्पेस रिमूव करना है या ऐड करना वो भी कर सकते हैं, हमने रिमूव कर लिया, ठीक है।
फिर इस तरीके से आप लाइन को स्पेसिंग कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हो कि आपको भी एक डेटा एक पेज में अपने डेटा को अरेंज या सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे होता है देखो कलर। अब थीम कलर क्या चाहिए आपको, ये भी है इम्पोर्टेंट कि थीम कलर क्या चाहिए। जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं उस डेटा का थीम किस टाइप का चाहिए आपको, या उस उतना पर्टिकुलर एरिया में आपको कितना कलर, कौन सा कलर फिल करना है। मैंने यहाँ से लिया, देखिए मुझे यहाँ पे ये वाला कलर फिल करना था, आपको कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जितना भी अपने स्पेस ले रखा है मैंने डेटा के अंदर, अपना उतना सा कलर फिल कर सकते हैं थीम के जरिए, ठीक है। फिर हटा लेते हैं थीम में, अब इसके में रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे को आपको दिखाना था करके कि भैया होता क्या है। फिर आगे आते हैं देखो इसके अंदर हमारे बॉर्डर। अब आपको बॉर्डर कैसे लगाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर हमें अगर लगाना है तो बॉर्डर देख लेते हैं पहले कैसे, कहाँ क्या क्या बॉर्डर है हमारा। टॉप में चाहिए बॉर्डर, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। हम ले लेते हैं हमें जैसे टॉप में बॉर्डर, लेफ्ट में ले लिया, देखो लेफ्ट में बॉर्डर आ रहा है ना। राइट ले लेते हैं, राइट में शो होगा हमको। नो बॉर्डर कहीं भी शो नहीं हो रहा, देखो ऑल बॉर्डर हर जगह, आउटसाइड सिर्फ आउटसाइड, इनसाइड सिर्फ इनसाइड, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जैसे आउटसाइड ले लिया क्योंकि मुझे सिर्फ आउटसाइड चाहिए था बॉर्डर, आपको इनसाइड चाहिए आप इनसाइड ले सकते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर एंड शेडिंग, देखिए यहाँ पे लाइन चाहिए आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है टेबल को, ग्रिड लाइंस देखनी है या फिर बॉर्डर्स शेडिंग, तो यहाँ पे भी हमारे और भी ऑप्शंस हमारे बॉर्डर के ओपन हो गए कि आपको किस तरीके से बॉर्डर चाहिए अपने डेटा में, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे बॉक्स वाला ले रखा है तो बॉक्स में देखो कितने सारे शो हो रहे हैं, उसका प्रीव्यू देखो हमें इंडिकेट भी हो रहा है साइड में, ठीक है। जैसा हमें चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं लाइक दिस। मेरे को शेडो चाहिए, मैं शेडो भी दे सकता हूँ, देखो शेडो शो हो रही है हमारी डॉक्यूमेंट बॉर्डर पे, ठीक है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं कोई और ले सकता हूँ। सपोज 3D चाहिए, 3D ले लेते हैं, 3D में देख लेते हैं कौन कौन सी वैराइटीज हैं। 3D में हमारे पास ये वाली है, है ना। कस्टम आपको जो चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कस्टम में भी हमें यहाँ पे सारी शो हो रही है जो आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कलर अब आपको कलर कैसे चाहिए, कलर अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो आप। अब बॉर्डर जो है, बॉर्डर के विड्थ कैसे चाहिए, ये भी ऑप्शन आ रहा है कि बॉर्डर के विड्थ चाहिए चाहिए कैसे आपको। बॉर्डर की विड्थ में कोई इतने पॉइंट्स में चाहिए, और भी है इसके अंदर को, पेज में बॉर्डर लगाना है, पेज के बॉर्डर के लिए भी ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। शेडिंग यूज करनी है, शेडिंग भी यूज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर लेते हैं तो पेज बॉर्डर में देखो हमारे ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम ही है जो हमने पीछे किए, लेकिन हाँ इसमें एक नया ऑप्शन ये है कि आर्ट जो आपको 2016 में भी मिल जाएगा। मैं रिपीट अगेन कह रहा हूँ कि जो भी हम आज काम कर रहे हैं, जो हम फिलहाल MS Office 2019 में काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये सारी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स आपको 2016 में भी मिल जाएगी MS Office की, ठीक है। मुझे सपोज इस तरीके के चाहिए आर्ट में यूज करने हैं तो हम इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया और ओके, देखिए कितना अच्छा भी हमारा डॉक्यूमेंट लग रहा है क्योंकि चारों तरफ से बॉर्डर लग चुका है और इतने अच्छे तरीके से हमने डेकोरेट भी कर लिया है, है ना। अब चाहे तो आप इसके अंदर कलर फिल करके इतने पर्टिकुलर एरिया को और अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को और बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज का जो टॉपिक था हमारा वो आज हम फिनिश करते हैं पैराग्राफ। अगर इस पैराग्राफ में आपको कोई डाउट हो या पहले वाली वीडियोस में कोई डाउट हो या कोई भी आपको डाउट सब अभी तक हुए हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी नोबेल टेक एजुकेशन।